Hey guys, this is your the movie boy K4 Kartavya. Welcome to our channel. और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं हमारे व्यूअर बुरहान रुबानी भाई को, जो मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि मुझे अपने वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या करते रहना चाहिए. तो बुरहान भाई, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू. दोस्तों, इस वीडियो में हम मशहूर फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और स्क्रीन राइटर राजकुमार हिरानी जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते रहते हैं. दोस्तों, राजकुमार हिरानी जी ने इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं कि उन्हें मॉडर्न इरा का गोल्डन डायरेक्टर कहा जा सकता है. अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो वे FTII पुणे से एडिटिंग में ग्रेजुएट हैं. फिल्मों में आने से पहले वे 8 फिल्म्स प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया करते थे और उन्होंने फेविकोल और काइनेटिक लूना जैसी 8 फिल्में बनाई हैं और उनमें एज एन एक्टर नजर भी आए हैं. उसके बाद वे विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम करने लगे और उनकी फिल्मों 1942 अ लव स्टोरी और करीब के प्रोमोस, ट्रेलर्स और प्रोमोशनल वीडियोस की एडिटिंग की. और राजकुमार हिरानी जी को एज एन एडिटर उनका बड़ा ब्रेक मिला विधु विनोद चोपड़ा जी की डायरेक्टोरियल वेंचर फिल्म मिशन कश्मीर से, और जिस फिल्म से राजकुमार हिरानी जी ने एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया वह फिल्म है मुन्ना भाई MBBS. मुन्ना भाई MBBS 19 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में सुनील दत्त, संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, जिमी शेरगिल, अरशद वारसी और बमन ईरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 10 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 23 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 36 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इसके बाद राजकुमार हिरानी जी अपने फिल्म मुन्ना भाई MBBS का पार्ट 2 लेकर आए, जिसका टाइटल था लगे रहो मुन्ना भाई, जो 1 सितंबर 2006 को रिलीज हुई और इस फिल्म में संजय दत्त, विद्या बालन, बमन ईरानी और अरशद वारसी जैसे एक्टर्स नजर आए और 19 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 126 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. लगे रहो मुन्ना भाई के बाद राजकुमार हिरानी जी की अगली फिल्म आई 3 Idiots, जो 24 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई और इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, सरमन जोशी और बमन ईरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 55 लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 202 करोड़ 95 लाख का नेट कलेक्शन किया था. वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 395 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर राजकुमार हिरानी जी की अगली फिल्म आई फरारी की सवारी, जो 15 जून 2012 को रिलीज हुई और इस फिल्म को राजेश मापुसकर ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में सरमन जोशी, बमन ईरानी और ऋत्विक सहारे जैसे एक्टर नजर आए थे और तकरीबन 20 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 30 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था. वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 48 करोड़ 45 लाख और कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी. इसके बाद एज अ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी की अगली फिल्म आई PK, जो 29 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई और इस फिल्म में आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सौरभ शुक्ला, बमन ईरानी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 120 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 339 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था. वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 831 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई साला खड़ूस, जो 29 जनवरी 2016 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सुधा कोंगारा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में आर माधवन, ऋतिका सिंह, मुमताज सरकार और जाकिर हुसैन जैसे एक्टर्स नजर आए थे
और तकरीबन 20 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 11 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 15 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद एज अ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी की अगली फिल्म आई संजू जो 29 जनवरी 2018 को रिलीज हुई और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था और इस फिल्म में परेश रावल, विकी कौशल, दिया मिर्जा, मनीषा कोयराला, सोनम कपूर और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 96 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 334 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 578 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आपको राजकुमार हिरानी जी की बनाई हुई कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों और उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड Take care.